बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ और नाश्ता मैं बना रही हूँ सुबह सुबह अपनी बेटी के लिए। और ये देखें, मैं अंडा ब्रेड और साथ में चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में गर्म किया, उसको मैंने ग्रीस कर लिया घी के साथ या ऑयल के साथ। और अब मैं इसमें ब्रेड को लाइट ब्राउन कर लूँगी। तो साथ मैंने चाय रखी है। चाय तो हर किसी को बनानी आती है, चाय की कोई रेसिपी नहीं मैं दे रही, ये तो मैं आपके साथ अपना डेली का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता है, मेरी बेटी स्कूल जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए, अंडा ब्रेड और साथ में चाय। और ये देखिए, मैंने आँच बिल्कुल हल्की रखी है और साथ मैंने ना देसी घी के साथ ब्रेड को थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ और लाइट ब्राउन करूँगी इसे मैं, क्योंकि वो इस तरह की खाती है। ये देखें, और साथ हमारी चाय भी बन रही है और ब्रेड भी हमारी तैयार हो रही है। और चाय हमारी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें, बॉयल आ रहे हैं, अच्छी तरह हमारी चाय पक रही है। और इसके बाद चीनी भी, चीनी पत्ती सब कुछ मैंने डाल दिया इसमें, पहले ही मैंने डाल दिया था। तो ये चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और ब्रेड भी हमारे साथ तैयार हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं आपको कोई रेसिपी दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ अपनी डेली व्लॉग्स, डेली की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अंडा भी साथ में फ्राई कर रही हूँ। अंडा मैं तकरीबन हाफ फ्राई ही करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और ये देखें, मेरा अंडा भी हो गया है तकरीबन। और साथ में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरा ब्लॉग पसंद आते हैं आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इससे आप लोगों के इस लाइक से और कमेंट से हमें ना बहुत सी सपोर्ट मिलती है। और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, मैं इसे कप में डालूँगी और जल्दी जल्दी से अपनी बेटी को दूँगी क्योंकि वो स्कूल से लेट हो रही है। ये देखें, पहले तो हमारी लाइट बंद हो गई थी इस वजह से, और कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में भी नाश्ता थोड़ा लेट हो रहा है। इस अब ये देखिए, मैंने ब्रेड को में अंडा लगा के उसे थोड़ा सा सेक लिया दोबारा से, और ये मैं उसे नाश्ता दे रही हूँ। ये देखिए, चाय ये वो पीती नहीं है, बहुत कम पीती है। आप लोग बोलेंगे कि चाय बहुत कम है, वो इतनी ही पीती है नाश्ते में, इसलिए बहुत कम है। और ये दोपहर का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैदा है, तकरीबन 3 कप मैदा लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह छान लिया है। और मैं ये आपको बना रही हूँ शवारमा ब्रेड, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने छान लिया है मैदा, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच मैंने इसमें टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ईस्ट का। और ये देखें, अब मैं इसमें ईस्ट ऐड करूँगी थोड़ी सी, हाँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगी, और इन और तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल के भी ऐड करूँगी। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इन्हें खुश्क इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तभी हमारी डो अच्छी बनेगी। अगर ये मिक्स अच्छी तरह नहीं होंगे तो हमारी डो इतनी अच्छी तरह राइज नहीं होगी, और फिर हमारी ब्रेड जो ना वो शवारमा ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये मैं वीडियो बंद करके मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया था, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको नज़र आ रहा है कि मैं ना अभी भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये छोटी छोटी होती है गलतियाँ जिससे हमारी डो अच्छी नहीं बनती। मतलब अगर हमने मिक्स नहीं किया ना खुश्क मैदे को अच्छी तरह, तो फिर हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, अब इसमें पानी ऐड किया है मैंने और अच्छी तरह इसे गूंद लिया, और गूंदने के बाद मैंने ना इससे थोड़ी देर के लिए ये मैंने पैन को ग्रीस किया है, और इसमें मैं डाल दूंगी और इसे राइस होने के लिए रख दूंगी। और इसे तकरीबन हम 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। और इसे मैंने पैन में डाल के इसमें अच्छी तरह मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है, अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करके ही आप रखें ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। इसलिए मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर दिया, और इसके ऊपर मैं ढक्कन देके इसे ऊपर कपड़ा डाल के इसे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। ये तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने देखा है डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये देखिए, अब इसे मैं अच्छी तरह गूँदूँगी। गूँदने के बाद मैं इसके, ये देखिए मैं आपको खा रही हूँ, बहुत अच्छे से राइज़ हो गई। अब इसको अच्छी तरह मैं गूँद लूँगी, और गूँदने के बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी
पेड़े बनाने के बाद उसकी रोटी बनाऊंगी, रोटी को थोड़ी देर स्टे दूंगी। पेड़े को स्टे नहीं देना आपने, रोटी को स्टे देना है, ठीक है ना। उससे हमारी जो रोटी है ना वो राइज होगी। और ये देखें, ये पेड़े बन गए हैं हमारे, तकरीबन 8-9 पेड़े बने हैं हमारे 3 कप मैदे से। ये देखिए, अब मैं इसे बेल लूँगी। बेलने के बाद मैंने स्टे दूँगी थोड़ी देर, और उसके बाद मैं इसे हल्की आंच पे तवे पे मैं इन्हें पका लूँगी। और इन्हें फुल नहीं पकाना, इन्हें हाफ़ ही कुक करना हमने। और ये देखिए, ये मैंने तवा ऊपर रखा हुआ था, गर्म हो गया, इसके ऊपर मैंने रोटी डाली है और आंच बिल्कुल कम है। और ये हमारी ब्रेड देखें बहुत अच्छे से बन के तैयार हो रही है। ये देखें, इनको हमने फुल कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम शवारमा बनाएंगे ना, इसे थोड़ी देर हम तवे पे गर्म करेंगे ना, तो इससे अच्छी तरह बनेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही पक गई है, ये देखें बहुत अच्छे से हमारी। ये मैंने फ्राई पैन रखा हुआ है, एक तरफ मैंने तवा रखा हुआ है ताकि जल्दी रोटियां बन जाए मेरी। और ये हमारी इधर ये देखिए, लाइट का भी प्रॉब्लम है, लाइट भी जा रही है, हमें लाइट बंद हो गई है। साथ में अपनी बेटी के लिए फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि अब उसके स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया। ये मैंने आलू पहले से कट करके रखे हुए थे। ये देखिए, ये फाइनल लुक है चिप्स की। मैंने फ्राइज़ बनाई और साथ में मैंने शवारमा भी बनाया। शवारमे की रेसिपी मिस हो गई है, वो मैं हम नेक्स्ट टाइम आपको दूँगी। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।